Hello everyone, welcome to my YouTube channel Education Tube. Today we are going to talk about border between Afghanistan and Pakistan, because in this area is disputed, and here news is that two Pakistani soldier has killed by Afghanistani. So yahan par hum baat karne wale hain ki Afghanistan ke dwara jo is border region mein do Pakistani soldier ki mare jane ki khabar hai. To is video mein hum puri tarah se discuss karenge is border region ke bare mein aur jo abhi Pakistani soldier jo hai mare gaye uske bare mein. To shuru se tak ban liye hamare sath. Agar aapne hamare channel ko like share subscribe nahi kiya to kar dijiye. Aur main bata dun, ye news jo hai authentic news hai aur ye jo hai aap Google mein search karke dekh sakte hain. तो चलिए आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ वैल्यूएबल न्यूज विद इन शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड. और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया, इंडिया से अगर आप वेस्ट की ओर चलिएगा तो आपको मिलेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान से अगर वेस्ट की तरफ चलिए तो आपको मिलेगा अफगानिस्तान. तो देखा है तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का लार्ज बॉर्डर शेयर होता है और यह एरिया बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का. तो यहाँ पर जो है सोल्जर जो पाकिस्तान की ओर से दो सोल्जर मारे गए, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं. और यहाँ पर मैप देख सकते हैं, जो सार कंट्री का मैप है और सार कंट्री में देखा जाए तो पाकिस्तान आता है लेकिन अफगानिस्तान नहीं आता है. पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, असम और बांग्लादेश एंड श्रीलंका आता है, जबकि म्यांमार जो है इस ग्रुप में नहीं है. तो साउथ एसोसिएशन रीजन कॉम्प्रिहेंसिव जो सार्क है उसमें ये सारे देश आते हैं. यह मैप सार्क का एक तरह से है. तो यहाँ पर Now you can read here news. Pakistani soldier killed in firing along Afghanistan border. तो पाकिस्तानी सोल्जर जो है यहाँ पर मारे गए हैं अफगानिस्तान बॉर्डर के में जो फायरिंग हुआ है वहां पर. क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बाय अनआइडेंटिफाइड गनमैन इन अफगानिस्तान पाक्टिका प्रोविंस किल्स एटलीस्ट टू पाकिस्तानी सोल्जर. तो आपने जो मैप में देखा होगा पाक्टिका प्रोविंस है अफगानिस्तान का, उस रीजन में जो है यह घटना घटित हुआ है. क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बाय अनआइडेंटिफाइड गनमैन इन अफगानिस्तान पाक्टिका प्रोविंस हैज किल्ड एटलीस्ट टू पाकिस्तानी सोल्जर. द कंट्रीज मिलिट्री से एज इट रिन्यूज कॉल फॉर अफगानिस्तान टू मैनेज सिक्योरिटी ऑन इट साइड ऑफ द बॉर्डर. तो यहाँ पर देखा तो क्रॉस बॉर्डर जो फायरिंग हुआ है ये अनआइडेंटिफाई किया गया जो गनमैन है वो अफगानिस्तान के सोल्जर है या नहीं. और उसके अलावा देखा जाए तो यह जो है पाकिस्तानी सोल्जर द कंट्रीज मिलिट्री से दैट रिन्यूज कॉल फॉर अफगानिस्तान टू मैनेज सिक्योरिटी ऑन द बॉर्डर साइड. तो यहाँ पर बात किया जाए पाकिस्तान की तरफ से कि अफगानिस्तान को अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को जो है मेंटेन करनी चाहिए. पाकिस्तानी फोर्स एट द मिलिट्री पोस्ट इन नॉर्थ वाजिरिस्तान रीजन दैट द टारगेटेड रिटर्न फायर द पाकिस्तानी मिलिट्री सेड इन द स्टेटमेंट ऑन वेडनेसडे. उसके अलावा देखा तो पाकिस्तानी सोल्जर ने भी यहाँ पर रिटर्न में फायर किया है इस वाले रीजन में, नॉर्थ वजीरिस्तान वाले रीजन में. तो यहाँ पर जो है एक तरह से बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड रीजन है. तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पाकिस्तान हैज कंसिस्टेंटली बीन आस्किंग अफगानिस्तान टू इंश्योर इफेक्टिव बॉर्डर कंट्रोल ऑन देयर साइड. Read a brief Pakistani statement. Pakistan strongly condemns the continuous use of Afghan soil for terrorist activities against Pakistan. तो यहाँ पर जो पाकिस्तान कंडेमन करता है कि जो अफगान का सॉइल है वो पाकिस्तान के लिए जो है टेररिस्ट के रूप में यूज किया जाता है. और देखा तो द इंसिडेंट रिपीट्स अ पाकिस्तानी एलिगेशन ऑफ द कंट्रीज फोर्सेस कमिंग अंडर अटैक फ्रॉम फाइटर ऑफ द तहरीक-ए-तालिबानी पाकिस्तान एंड इट्स अलाय that are at least to be based in the eastern Afghanistan. तो यहाँ पर देखा जाए तो यह माना जाता है कि तालिबान का जो ग्रुप है उन्होंने ही पाकिस्तानी सोल्जर पे कहीं ना कहीं अटैक किया है. और देखा जाए तो नॉर्थ जो है यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर वहां वाले रीजन में देखा जाए तो तालिबान का है जो है वहां पर बेस है एक तरह से. और आपको पता है कि जो अफगानिस्तान में तालिबान का जो है वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है तालिबान जो है फिर से देखा जाए तो अफगानिस्तान में पावर में आएगा तो कहीं ना कहीं ये जो पाकिस्तान की ओर जो है जरूर अटैक वगैरह ये करने वाला है. अफगानिस्तान डिड नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू द लेटेस्ट एलिगेशन बट हैज डिनाइड दैट इट्स गवर्नमेंट अलाउ सच ग्रुप्स टू ऑपरेट ऑन अफगानिस्तान सॉइल इन द पास्ट. उसके बाद देखा तो यहाँ पे अफगानिस्तान ने कोई भी इमिस रिस्पॉन्स इमिडिएटली नहीं लिया है. और लेकिन यहाँ पर कहना है कि गवर्नमेंट का अलाउ सच ए ग्रुप टू ऑपरेट ऑन अफगानिस्तान सॉइल इन द पास्ट. यहाँ का जो अफगानिस्तान का सॉइल है वह यूज किया जाता है टेररिस्ट को पालने के लिए, जबकि ये चीजें दोनों है, पाकिस्तान में उतने ही टेररिस्ट है, अफगानिस्तान में उतने ही टेररिस्ट है.
तो यहाँ पर अब फिर से न्यूज, अफगानिस्तान हैज अपोज्ड द फेंसिंग ऑफ द 2600 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज एज इट डिस्प्यूट्स इट्स लोकेशन। देखा है तो यहाँ पर 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ, और यह बॉर्डर जो है अफगानिस्तान की बिना जो है पाकिस्तान वहां पर बार लगा रहा है, मेर लगा रहा है एक तरह से बॉर्डर पे, और जो है यह डिस्प्यूटेड एरिया है और यहां पर अफगानिस्तान इसका अपोज कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपने मनमानी वहां पे करते जा रहा है, जिसकी वजह से देखा है तो ये अटैक वगैरह शुरू हो गए। पाकिस्तान बिगन unilaterally building a fence at the border in March 2017 in a bid to control the flow of armed group fighters across it. तो 2017 में ही उन्होंने जो है बाड़ लगाना पाकिस्तान ने वहां पर शुरू कर दिया था अपनी तरफ से। उसके बाद देखा तो वहां पर आर्म ग्रुप के बीच में दोनों सैनिकों के बीच में फाइट हुआ है। उसके अलावा देखा है तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द बैरियर विच इज जनरली कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ वायर लिंक फेंसिंग टॉप्ड विथ बार्ड वायर कंटिन्यूज इन द पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान ए खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान प्रोविंस। तो उसके बाद है तो कंस्ट्रक्शन जो है बैरियर लगातार जो है पाकिस्तान कंस्ट्रक्ट कर रहा है वायर लिंक और फेंसिंग टॉप्ड विथ बार्ड एंड कंटिन्यूज इन द पार्ट्स पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा जो है बलूचिस्तान प्रोविंस में। तो इस तरह से जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ेगा, क्योंकि जो है अब देखा जाए तो पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं अपने मन से वहां पे बॉर्डर डिस्प्यूटेड वाले रीजन में मार लगा रहा है। उसके बाद जो है अभी जो है तालिबान फिर से जो है पावर में आने वाला है, तो कहीं ना कहीं जो है यह फिर से देखा जाए तो हमला अटैक इस रीजन में बढ़ने वाला है। आई होप ये न्यूज आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।